वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छे से हूँ। और अभी ना 4:15 बज रहे हैं, अम्मी आई थी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैं अम्मी के घर पर अब जा नहीं रही हूँ ना, इसलिए वही मुझसे मिलने के लिए आ गई थी। और यहाँ पर मैं गोश्त लेके आई थी, तो गोश्त को मैंने यहाँ पर पानी में डाल दिया है, क्योंकि मेरा ना आलू गोश्त खाने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज आलू गोश्त बना लेते हैं, तो इसलिए पानी में डाल दिया। थोड़ी देर में इसको बनाना मैं स्टार्ट करूंगी। और अम्मी के लिए चाय बनाई थी, तो चाय जाहिर सी बात है अम्मी तो शक्कर मतलब यूज नहीं करती है ना डायबिटीज की वजह से, इसलिए मैंने उनके लिए फीकी वाली बिना शक्कर की चाय बनाई थी, तो मैं अपने लिए थोड़ी सी शक्कर डाल देती हूँ। इसको यहाँ रखते हैं। अरे अल्लाह, गिरा जा रहा है, गिरा जा रहा है मोबाइल। शक्कर निकाल लूँ, साथ ट्यूशन गया है। चलो थोड़ी शक्कर डालिए मैंने भी, कोई मैं भी मीठा अभी अवॉइड करूंगी, वेट कम करना है ना, तो मीठा अवॉइड करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है फ्रेंड। अब मैं छोड़ तो सकती नहीं हूँ, पर कम कर सकती हूँ। और फिलहाल आने वाले दिनों में, ये अल्लाह बंद हो जा, आने वाले दिनों में मैं चाय को भी अवॉइड करने की कोशिश करूंगी और कॉफी पीऊंगी। कॉफी भी ज्यादा फायदा करती है चाय की कंपेयर में, तो देखते हैं। चलो सोचते तो बहुत कुछ है, ये कर लेंगे ये कर लेंगे ये कर लेंगे, लेकिन और हाँ, अम्मी क्यों आई थी मैं बता देती हूँ। अम्मी आज ना बिरयानी बना रही है, तो अम्मी बिरयानी बना रही है, तो कह रही थी तू आ नहीं रही है घर पे, आ जा आज मैं बिरयानी बना रही हूँ, तू वहीं आके खा लेना। अभी देखती हूँ शाम में जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, वो उनका शायद मुझे घर बुलाने का बहाना होगा, क्योंकि मैं नहीं जा रही हूँ ना, तो पता नहीं उनको क्या ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं आ रही हूँ मैं घर पे, कम आ रही हूँ, क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है। और वजह कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा साथ के एग्जाम स्टार्ट हो गए ना, इसलिए उसमें बिजी हूँ। चलो देखते हैं उनकी दावत सराखों पर, अब शाम में जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी खैर पता चल जाएगा। चलो मेरी चाय भी गर्म हो गई है, थोड़ी सी शक्कर वाली, इसको छान लेते हैं। ये अल्लाह कुछ ज्यादा गर्म हो गई, हाजिर अल्लाह, ये अल्लाह ज्यादा गर्म कर दी मैंने बातों बातों में। अब इसको ठंडी करने का इंतजार करना पड़ेगा। चलो बहुत काम है, बहुत काम, झाड़ू इंतजार कर रही है, मशीन इंतजार कर रही है, बर्तन मेरा इंतजार कर रहे हैं यार। मेरी जिंदगी में काम ही काम रह गया, काम ही काम रह गया मेरी जिंदगी में। चलो अब मैं काम काम करके आपसे मिलती हूँ, नहा के ओलिया सुधार के अपना। अम्मी के घर पे जाने में मुझे बहुत लेट हो गया है, 7:45 बज रहे हैं, और अभी नहा के निकली हूँ बस, तो मैं ऐसे ही जा रही हूँ जल्दी से। और मैंने थोड़ा सा ना आलू का गोश्त भी ले लिया है, आलू का गोश्त होता है, आलू गोश्त होता है, आलू का गोश्त ले लिया है कुछ भी, तो ताकि अरे अल्लाह ताकि थोड़ा सा टेस्ट कर लें अम्मी। मैं अम्मी की दावत में आई, मुझे लगा मैं लेट हो गई हूँ, अम्मी की बिरयानी बन गई होगी, पर अम्मी अभी बना रही हैं। लेट नहीं हुई हूँ, मतलब मेरे सामने ही बन रही है मेरे दावत का खाना बिरयानी। बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ मैं आज ना, दिल नहीं, उधर बहुत खाई थी, दिल नहीं, हाँ दिल नहीं कर रहा। और रोमो लंगरों में कितनी बिरयानी खाई जी, बन रही है अम्मी बिरयानी। इसमें क्या बन रहा है? अच्छा इसमें अखनी है, सही है, चलो बना। अम्मी के गमलों में पेड़ लग गए, ये वाला पेड़ लगा है, फूल होगा इसमें, फूल आएंगे पता नहीं कैसे कलर के आएंगे, कलियां तो आ रही है देखो, छोटी छोटी बारीक बारीक कलियां। और एक ये लगाया नींबू का पेड़, इसको तो बड़े टाइम लगा, इसमें कांटे बहुत हैं, तो दो पेड़ लग गए अम्मी के दरवाजे पे, नींबू का और फूलों का। अम्मी की बिरयानी पकते पकते रात के 9 बज गए, अब मैंने सोचा अम्मी रात हो गई है और ज़्यादा देर हो जाएगी, तो तुम ये बिरयानी थोड़ी सी पैक कर दो। सच बताऊँ ना, मैं जाने बिल्कुल नहीं वाली थी, मैं नहीं जाने वाली थी, क्योंकि मैंने खुद घर पे खाना बनाया, आलू गोश्त का सालन बनाया है, रोटी बनाई है, लेकिन मैं अम्मी आई थी ऊपर अब कह के गई, तो फिर मैंने सोचा अम्मी की बात रखते हैं चले जाते हैं, वरना अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, बोलेंगी वैसे तो आ जाती है आज, पता नहीं अब क्यों नहीं आ रही है, उनके दिल में कोई ऐसी बात ना आ जाए कि मैं क्यों नहीं आ रही हूँ। और बाप होता मेरा अल्लाह जानता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ अब ये साथ के चक्कर में मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रहने लग गई हूँ, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। और तो मैंने अम्मी से कहा तुम थोड़ी सी बिरयानी पैक कर लो, मैं घर पे खा लूँगी, यहाँ खाऊँ या अपने घर पे खाऊँ बात तो एक ही है, तो बस तुम्हारे हाथ की बनूँगी, मेरे लिए यही बहुत है। तो मैंने थोड़ी सी बिरयानी पैक कर ली है, घर पर आ गई हूँ, अब मैं थोड़ी सी बिरयानी खाने जा रही, थोड़ी सी इसलिए बोल रही हूँ, बाकी मैं थोड़ी सी बिरयानी खा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। आज क्या बात करने आई हूँ मैं, और आपको मेरी आँखों से भी लग रहा होगा, सारा काजल आँखों का बाहर बह गया है, क्योंकि मैं रो के आ रही हूँ। अब रोई तो रोई भाई, इसको जब रोई हो जो अल्लाह को बताए तो आप लोगों से क्या छुपाना, ठीक है। रोने की वजह क्या है फ्रेंड, आज ना सोहेल से झगड़ा हुआ मेरा, शाम को हुआ था और अभी तक वो कंटिन्यू है, मतलब कंटिन्यू मैं बात ही नहीं कर रही, अभी उनका फ़ोन वोन मैं रिसीव नहीं कर रही हूँ, क्योंकि
आप बोलोगे अभी तो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, आप क्यों बता रहे हो? बताने का पॉइंट है, एक वजह है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो हमेशा जब भी होती है तो मैं कभी इस बारे में बात नहीं करती हूँ, और दुनिया के हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है और होनी भी चाहिए। लड़ाई झगड़े से क्या होता है ना, मियाँ बीबी की जो मोहब्बत होती है ना उसकी नज़र उतर जाती है, इसलिए कभी कभार थोड़ा बहुत लड़ते रहना चाहिए फ्रेंड। और होती भी है, नहीं भी लड़ेंगे तब भी हो जाती है, किसी न किसी वजह पर हो जाती है। कभी शौहर अपने बीवी के मायके वालों को वैसे कुछ बोल देता है तो बीवी को लगता है तुमने मेरे भाइयों के बारे में ऐसा क्यों बोला। कभी बीवी अब उसकी बहनों के या ऐसी बस्ती बस्ती कुछ बोल देती है तो भी हो जाता है। खैर चलो, मियाँ बीवी की नोक झोंक वो तो चलती रहती है और चलनी भी रहनी चाहिए। मैं वही बोलती हूँ, मोहब्बत होती है तो नज़र उतर जाती है। तो मैं अपने मुद्दे पर आ जाऊँ, क्योंकि झगड़ा क्यों हुआ था? झगड़ा हो रहा है इस वजह से सोहेल की थोड़ी सोच पता नहीं क्यों अलग है। अलग है मतलब उनको वो ना शुरू से, मेरी शादी जब से हुई है ना, वो भाई दुबई में ही, सऊदी में, कतर में ही जॉब कर रहे हैं। ठीक था, चलो मैं भी उनको बोल रही थी आप जॉब कर लो, आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है जी लो। एक लिमिट होती है फ्रेंड, एक हद होती है कि एक इंसान, अगर एक औरत आपको बोल रही है चलो रह लो, लेकिन जब एक औरत एक बच्चा बोल रहा है आपका कि चलो अब्बा आप आ जाओ इंडिया में जॉब कर लो, कोई मुश्किल नहीं है, दुनिया में यहाँ पे भी लोग कमा रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे जॉब करने के लिए, आपको खिलाने पिलाने वाला, आपका खर्चा उठाने वाला सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह, उसके सिवा कोई है ही नहीं। लेकिन सोहेल जो है मेरे हस्बैंड, शौहर, हबी, उनके माइंड में एक चीज़ बैठ गई है जो कि मैं उनकी चीज़ सोच को ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ। ख़त्म करनी है सोच को मुझे। उनको लगता है कि मैं दुबई में ही कमा सकता हूँ, उनको लगता है कि मैं अगर सऊदी में या मतलब आउट ऑफ कंट्री में जगह जॉब करता हूँ तो ही मैं अपने बी बच्चों को खुश रख सकता हूँ, अदरवाइज मैं इंडिया में उनको खुश नहीं रख सकता। ये उनकी सोच है। तो वो पहले बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ, ऐसा करके वो हम लोग को, साथ को मुझे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं फ्रेंड। हम बेचारे सीधे सच्चे लोग, हम बेवकूफ़ बनते रहते हैं, ठीक है चलो आप आओगे। ये बेचारा साथ लेट हुआ, ये भी इसको तसल्ली देते रहते हैं। तो लेकिन फिर लास्ट टाइम पे जब आने का होता है ना, तो फिर वो सडनली अपना प्लान चेंज कर देते हैं कि नहीं अभी मेरे पे ये प्रॉब्लम है ये, जबकि अल्लाह का शुक्र कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पता है वो रही बात ज़िंदगी की ज़रूरतों की, कपड़े की, खाने की, पहनने की, तो ये तो इंसान के मरते दम तो चलता रहता है। अल्लाह और रिजक देने वाला अल्लाह ताला का, अल्लाह, जब बच्चा दुनिया में पैदा नहीं होता, जब बच्चा पेट में भी नहीं आता ना, तो अल्लाह ताला उसकी माँ की छाती में दूध दे देता है। अब अल्लाह ताला रिजक देने वाला है, बच्चे की पैदा होने से पहले अल्लाह उसकी खुराक दे देता है। तो ये इंसान है, इनकी सोच इतनी कमज़ोर है। नमाज़ पढ़ते हैं लोग और अल्लाह को मानते हैं, इबादत करते हैं फ्रेंड, लेकिन यकीदा क्यों नहीं है? मैं बोलती हूँ यकीदा होना चाहिए, यकीदा। दुनिया में इंसान किसी भी कोने में बैठ के कमाएगा, लेकिन जब तक अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं होगी वो कहीं कुछ नहीं कमा सकता। ठीक है, अल्लाह ताला ने बताया आप बिज़नेस कर सकते हो, करने के लिए बाहर जाओ, कोई शहर से दूसरे शहर जाना पड़े तो आप वहाँ पे भी जाओ, कोई इसमें बुराई नहीं है। तिजारत बोलते हैं, तिजारत भी करनी चाहिए, लेकिन देने वाला तो अल्लाह ही है ना। अगर अल्लाह से हाथ फैला के बोलो कि अल्लाह तू मुझे यहीं दे, मुझे अपने बीवी बच्चों के पास रहना है, मुझे यहीं मेरे को रोजी रिजक दे, यहीं मुझे मेरी बीवी बच्चों की इज्जत बनाए रखे, तो अल्लाह ताला वो भी सुनेगा। अल्लाह तो कहता है तुमसे मांग तो सही, मैं हूँ देने के लिए। कोई इंसान बोलेगा आके तुम मुझसे मांग? कोई टाइम नहीं है अल्लाह से मांगने का कि अल्लाह बोलेगा तू मुझे दिन में मांगना, रात में मांगना, जोर की नमाज में। अल्लाह बोलता तू 24 घंटा मुझसे मांग सकता है, मैं 24 घंटे तेरी बात सुन सकता हूँ और सुन रहा हूँ, तू कुछ भी मांग मुझसे मैं दूंगा। लेकिन तब भी नमाज पढ़ने के बाद अगर लोगों का यकीदा कमज़ोर है फ्रेंड, तो इस यकीदों का मजबूत करने का तो कुछ इलाज है ही नहीं। फिर आप नमाज पढ़ के आपका यकीदा कमज़ोर क्यों है? फिर आपकी रूह कमज़ोर है, आपकी रूह कमज़ोर है फ्रेंड। यही इसी बहस पे मेरे सोहेल से आज झगड़ा चल रहा है। मैं इतना रोई हूँ ना, मेरे देखो पूरा काजल मेरा तहस नहस हो गया, पूरा बह गया, क्योंकि मैं उनको इस चीज़ को नहीं समझा पा रही हूँ। इस चीज़ को नहीं कि वो बाहर काम कर रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे, इस चीज़ को लेके कि सोहेल अल्लाह ताला यहाँ पर भी, अल्लाह ताला पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई है यार। आप कैसा सोच रहे हो कि अल्लाह ताला आपको दुबई में ही दे रहे पैसा देगा, आप इंडिया में आओगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे? पता नहीं क्यों उनकी ऐसी सोच है सोहेल, और अब से नहीं फ्रेंड, शायद ही ब्लॉग के जरिए उनके घर वालों को भी ये बात पता चल जाए जो अब तक उनको नहीं पता होगी, कि उनको उनके दिल में एक डर है, जो डर मैं, मेरी शादी को नवंबर में 14 साल हो जाएंगे, डर मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे गुड में मैं जानती हूँ अल्लाह ताला कहीं हर जगह रोजी रोजक देने वाला होता है, लेकिन सोहेल के दिल में एक डर है
वो डर ये है कि उनको लगता है कि हम लोग को जो जिंदगी है ना, हमारी जो लाइफ है ना, वो ना सऊदी में बैठ के हम लोग को दे सकते हैं। इंडिया में आके उनको लगता है कि मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरे बीवी बच्चे को मैं ज़िंदगी नहीं अच्छी खुशहाल नहीं दे पाऊँगा, उनकी ये सोच है। शायद उनके घर वालों को आज ये चीज़ पता चल जाए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने उनके घर वालों को भी ये चीज़ कभी नहीं बताई है कि सोहेल इस डर में रहते हैं। उनको लगता है कि मैं उनकी परदेश की नौकरी जब जाए छोड़नी होती है ना, एकदम से उनका वो एकदम से अजीब से हो जाते हैं फ्रेंड। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों के बच्चे भी बाहर होंगे, विदेश में होंगे, किसी का हस्बैंड, शौहर, भाई, किसी का बेटा, किसी की बेटी, तो आप उनको ये तसल्ली दिया करो कि बेटा अपने शौहर से अगर बात करो तो बेटा तो नहीं बोलोगे, खैर अपने शौहर से बात करो, अब यही बोलो कि अल्लाह देने वाला है। अगर आप यकीदा कर लोगे नहीं अल्लाह तू मुझे परदेश में दे रहा है तो तू मुझे इंडिया में भी देगा, ये यकीदा आप अपने बच्चों से बोलो। मैं तो अपने शौहर को बहुत बोलती हूँ, पता नहीं उनकी मेंटलिटी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन शायद मुझे आगे कुछ फैसले लेने पड़ जाए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। वो फैसला इंशाल्लाह वक्त आने पर बता दूँगी। अगर वो नहीं बदला उनका फैसला तो मैं इतनी स्ट्रांग हूँ इस चीज़ में कि मैं अपने फैसले अब ले सकती हूँ। अल्लाह ताला ने वो मुझे मुझमें वो चीज़ है, मैं जानती हूँ कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। मेरे को ना किसी अपने फैसले लेने के लिए इससे उससे उससे पूछने की, पंचायत करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पहले थी, पहले मैं बहुत कमज़ोर थी फ्रेंड, बहुत कमज़ोर थी पहले मैं। मैं मेरे घर वालों की तरफ से, मैं अपने शौहर की तरफ से बहुत पहले, अभी अल्लाह का शुक्र है अभी अल्लाह ने बहुत हिम्मत दे दी है मुझे। अगर सोहेल के दिल में ये डर निकल जाता है तो ये उनके लिए अच्छा है, उनको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह मुझे सऊदी में विदेश में रोज़ी रिजक दे रहा है और मुझे भेजने वाला भी मेरा अल्लाह ही है। अगर परदेश में अल्लाह की मर्ज़ी होती, एक तिनका इधर से उधर नहीं हिल सकता फ्रेंड। अगर अल्लाह ने चाहे ना अल्लाह एक तिनका नहीं हिल सकता, कहते हैं तिनके में जान डालने वाला सिर्फ अल्लाह की जात है। अगर सोहेल ये चीज़ समझ लें कि मैं अगर परदेश में आज कमा रहा हूँ तो वो मेरे अल्लाह की वजह से कमा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा। कितने लाखों लोग फ्रेंड इंटरव्यू देने जाते हैं, वो इंटरव्यू मुझे पता है, मैंने देखे, मैंने अपनी आंखों से देखे फ्रेंड। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे 10 बजे तक लाइन लगती है। बाहर से काफ़ी लोग आते हैं या इंडिया के लोग होते हैं, इंटरव्यू लेते हैं बेचारे, लगे उसमें से हज़ारों लोगों में से 10-15 लोग फ्रेंड्स सेलेक्ट होते हैं। ये मैं विदेश के इंटरव्यू बता रहे हैं कि वो सेलेक्ट वही होते हैं जिसमें अल्लाह की मर्ज़ी होती है। लाखों लोग जाते हैं, मैंने वो इंटरव्यू खुद, अब मैं सोहेल के संग गई थी एक बार, मैंने खुद देखा था कि इतनी लंबी लाइन लगती थी, लोग बेचारे टाई वाई लगा के आते थे। ठीक है सोहेल, मैं वही बोलती हूँ अल्लाह की मर्ज़ी थी तो आप गए, लेकिन आप यकीदा अल्लाह, आपने यकीदा ये कर लिया कि मुझे तो विदेश में ही रोटी मिलेगी भैया, मुझे तो मैं तो विदेश में ही कमा सकता हूँ, इंडिया में मैं कमा सकता हूँ। अल्लाह बोलेगा ठीक है तेरी यही सोच है तो यही सही। मेरा यकीदा बहुत मजबूत अल्लाह पे, मुझे पता है अल्लाह ताला मुझे अच्छे से ही रखेगा क्योंकि हम अल्लाह से मांगते हैं। लेकिन ये चीज़ सोहेल नहीं समझते, इसलिए इस बात को लेकर सोहेल से मेरा इतना झगड़ा चल हो रहा है आज शाम से कि सोहेल आपका यकीदा कमज़ोर है, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं यहीं कमा रहा हूँ, यहीं मेरे बीवी बच्चे खुश रह रहे हैं। पता नहीं फ्रेंड, इस वजह अब बताइए आप, अगर मेरी, मैं ये बात आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ कि अगर मैं गलत हूँ, अगर मेरा पॉइंट गलत है तो फ्रेंड आप मुझे कमेंट करके बताओ, गलत है तो फिर मुझे बताओ मैं कहाँ गलत हूँ। तो मुझे शायद जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रही है, वो आपको दिखाई दे रही है, तो आप मुझे बता सको कि अल्लाह ताला जो लोग यहाँ जॉब करते हैं कि अल्लाह ताला उनको खाना पीना नहीं देता, कि उनको वल्ला होता तो मुझसे मांग, जो मांगेगा मैं तो वो दूंगा। हम क्या करते हैं ना, अल्लाह से जब दुआ मांगते हैं ना तो फ्रेंड अपनी हैसियत के हिसाब से मांगते हैं, ये भूल जाते हैं कि सामने वाला अल्लाह है, उससे हम छोटी चीज़ क्यों मांगे। अल्लाह बोलेगा तू दाल मांगेगा तो मैं दाल ही खिलाऊंगा, तू अगर बिरयानी मांगेगा तो मैं बिरयानी खिलाऊंगा, तू अपनी हैसियत देख के मत मांग, तू मुझे देख के मांग। जो मैंने पूरी दुनिया बनाई है, मैंने तुझे दुनिया में भेजा है, तू मेरी बनाई हुई दुनिया में रह रहा है, तो तू मुझे देख के मांग। लेकिन कहते हैं लोगों के यकीन इतने कमज़ोर होते हैं, अल्लाह तू मुझे छोटी सी नौकरी दे दे। मैं तो अल्लाह से फ्रेंड फ्लैट मांगती हूँ, मैं तो गाड़ी घोड़े मांगती हूँ, मैं अल्लाह से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मांगती हूँ। मैं अल्लाह से बोलती हूँ अल्लाह तू तो रोज़ बिरयानी खिला, क्योंकि मैं मांग किससे रही हूँ, मेरा अल्लाह से मांग रही हूँ ना, मैं किसी बंदे से तो नहीं मांग रही ना, मैं कोई दुनिया ज़मीन में रहने वाले लोगों से तो नहीं मांग रही ना, मैं तो आप सरकार के सदके में अल्लाह से बोलती हूँ अल्लाह तुम्हें उनका सत्ता जिंदगी भर सत्ता दिला, खिला मुझे, मेरे खूब घर हो, मेरे फ्लैट हो, मुझे नेक बना, तेरी राह में खर्च करने वाला बना, मेरे बच्चे को नेक बना। मैं तो खूब बड़ी बड़ी दुआएं करती हूँ, हज उम्रे की दुआ करती हूँ फ्रेंड, और मैं क्यों ना करूं। लेकिन ये चीज़ अगर सोहेल समझ जाए ना फ्रेंड, तो बस मेरी, मैं ये बोलती हूँ कि मैं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि उनका यकीदा जो है, जो बाहर का, वो ख़त्म हो जाए, उनको लगे कि नहीं मेरा अल्लाह है मुझे यहाँ भेजा, मेरा अल्लाह मुझे वहाँ पे भी बेहतरी खिलाएगा। ये चीज़ की वजह से शायद मैं आज, मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ
गलत हूँ तो मैं किस पॉइंट पे गलत हूँ, आप मुझे कमेंट करना फ्रेंड, कमेंट जरूर करना, मुझे बताना अगर मैं गलत हूँ। तो बस यही चीज़ थी इसकी वजह से मैंने आपसे शेयर करी है। और बस मियाँ बीबी के झगड़े कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है, होने भी चाहिए, लेकिन मियाँ बीबी के झगड़ों में किसी को बोलना नहीं चाहिए, अपने ऐसा बोलते हैं। और मैं ये नहीं बोल रही आप मेरे झगड़ों को इस तरह से सुन लो, मेरा झगड़ा किस पॉइंट पे है, मैं किस पॉइंट पे आपसे बात कर रही हूँ। शायद ये उनके घर वालों को भी पता चला कि सोल का जो डर है वो डर कितना गलत है कितना सही है वो भी पता है, उनको भी पता चले कि जो डर वो लेके बैठे हुए हैं। तो इसलिए बताइए फ्रेंड, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ? और मुझे लग रहा है मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनको हिम्मत दे रही हूँ। एक बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत सी बीवी होती है, अरे बोलती वो तुम भारी कमाओ, तुम तो भारी कमाओ, बाहर हमको पैसा भेजते रहो। मैं उसमें की नहीं हूँ फ्रेंड, मैं जानती हूँ अल्लाह ने जो मेरे नसीब में लिखा है ना, मुझे इंडिया में भी कमा के मिलेगा, मुझे वो मिलेगा जो अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दिया है, और जो मैं अल्लाह से यकीदे से मांगू अल्लाह मुझे देगा, अल्लाह मुझे दे रहा है। बस सोहेल का यकीदा अल्लाह मजबूत रखे, सोहेल अपने इस बात पे कायम हो जाए कि नहीं मैं वहाँ पे भी बेहतर अल्लाह मुझे नवाजने वाला है। बस यही है फ्रेंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब थी माइंड से, तो मैंने सोचा चलो मैं गलत हूँ, अगर सोहेल मुझे गलत बोल रहे हैं तो मुझे आपकी राय भी लेनी चाहिए, आप भी मुझे बताओ इस बारे में कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, नहीं तो फिर आगे फिर मुझे क्या करना है, वो भी उस चीज़ के लिए भी मैं तैयार हूँ। इंशाल्लाह वो वक्त वो नौबत नहीं आया कि मुझे उस फैसले तक पहुँचना पड़े, लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। इंशाल्लाह कभी वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन अगर वो होगी तो मैं उस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें होती है ना फ्रेंड। को इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में बात करूँगी, अगर मैटर सुलझ गया तो ठीक है, नहीं सुलझा तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, मुझे कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को फ्रेंड प्लीज़ 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 फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपनी राय ज़रूर रखना, आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है फ्रेंड। प्लीज़ अल्लाह हाफ़िज़।